हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अंकित गोयल, अंकित फाइनेंस क्लब में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक और ऑप्शन आ गया है हम सभी के सामने, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ में। दोस्तों, आपको ध्यान होगा भारत बॉन्ड ईटीएफ का पहला इशू जो आया था वो दिसंबर 2019 में आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने 12,500 करोड़ रुपए जुटाए थे। इस बार दोस्तों, एडलवेज जो कंपनी है जो इसको मैनेज कर रही है, उसने अनाउंस कर दिया है कि ये दूसरा इशू आ रहा है, सेकंड ट्रांच आ रहा है, जिसमें 14,000 करोड़ रुपीज जुटाए जाएंगे। और दोस्तों, हमारे लिए ओपन रहेगा 14 जुलाई से 17 जुलाई तक, यानी 14 जुलाई 2020 से ये 4 दिन के लिए ओपन रहेगा, 14, 15, 16, 17, 2020 में ही। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये मैनेज तो एडलवाइज कंपनी कर रही है, पर टोटली गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट कंपनी में ही इन्वेस्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न मिलेगा, रिस्क क्या है इसमें, टैक्स कितना लगेगा, और सारी ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपसे कहा ये जो भारत बॉन्ड ETF है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके थ्रू ये इनिशिएटिव लिया गया है। और दोस्तों, गवर्नमेंट मैनेज खुद नहीं कर रही, मैनेज का काम इन्होंने कंपनी को दिया है, जो है एडलवेस AMC। ये एडलवेस AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी आते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आपको पता लग गया है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पहले समझना चाहेंगे भारत बॉन्ड ETF क्या है। तो दोस्तों, भारत तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, हमारा प्यारा देश इंडिया ही भारत है। और दोस्तों, बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड में क्या होता है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और हमारे पास पैसा है जिसको हम सेव करना चाहते हैं। तो कंपनी क्या करती है दोस्तों, कंपनी के पास दो तरीके हैं, या तो वो अपनी हिस्सेदारी बेच दे, ओनरशिप बेच के आपसे पैसा ले ले, उसे बोलते हैं इक्विटी, या वो आपसे उधार ले ले, लोन की तरह ले ले, डेट ले ले। तो दोस्तों, जो डेट लेती है कंपनी, उधार लेती है, उसी को बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से सपोज कर लीजिए, कंपनी 10,000 रुपए ले रही है, तो वो मुझे एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी कि हमने आपसे 10,000 रुपए लिए हैं और हम आपको इस पर इंटरेस्ट देंगे, और एक साल के लिए। तो एक साल बाद वो हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों लौटा देंगे। तो दोस्तों, हम दोनों का ही फायदा हुआ, मुझे पैसे सेव करने की जरूरत थी, इंटरेस्ट भी मिल गई, कंपनी को पैसे की जरूरत थी अपनी बिजनेस के लिए, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों, बॉन्ड एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी तरह हम लोग कंपनी को लोन प्रोवाइड कराते हैं और कंपनी हमें रिटर्न में इंटरेस्ट और हमारा प्रिंसिपल देती है। और दोस्तों, बॉन्ड आई थिंक आपको समझ में आ गया। ETF की बात करते हैं दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी दोस्तों, ये क्या होते हैं, जो आप ये बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, ये लिस्टेड होंगे NSE की साइट पे। तो उसके थ्रू आप क्या करेंगे, जब भी आप मार्केट खुला हुआ होता है 9:30 से 3:30 बजे तक, आप कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आगे लॉकिंग के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो अब अगर दोस्तों भारत बॉन्ड ETF की बात करें, तो बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको बता दूं, ये एक कंपनी है एडलवेस AMC, ये क्या कर रही है, हम रिटेल इन्वेस्टर से और अलग अलग लोगों से पैसे इकट्ठे कर रही है, और इस पैसे को इकट्ठे करके ये क्या करेगी, जो कंपनी के बॉन्ड आते हैं, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, गवर्नमेंट की यूनिट्स होती हैं, उनको जो लोन की जरूरत होती है, वहां सारा पैसा लगा देगी। अब वो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, वो इस कंपनी को AMC को इंटरेस्ट देगी और AMC हमको इंटरेस्ट दे देगी। तो दोस्तों, आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया, एक तरीके का बास्केट है। अब दोस्तों, किसी एक बॉन्ड में पैसा नहीं लगाया जाएगा। सपोज कर लीजिए, मेरे जैसे और आपके जैसे 5,000 लोग हैं, उन सब लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा, एक बास्केट बनाया जाएगा, उस पैसे को अलग अलग कंपनियों में, कई कंपनियों में, मैं आगे भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंपनियों में, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा दिया जाएगा। और दोस्तों, जब वहां से इंटरेस्ट आएगी, तो वो इंटरेस्ट सीधे हमको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब जब मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही है, तो कई तरीके के बॉन्ड होते हैं, रिस्की भी होते हैं, नॉन रिस्की भी होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बता देता हूँ मैं, जो बॉन्ड खरीदे जाएंगे वो AAA रेटिंग के बॉन्ड खरीदे जाएंगे। और दोस्तों, AAA का मतलब होता है लोएस्ट रिस्क, बहुत कम रिस्क होता है। और दोस्तों, साथ ही साथ किसी एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाया जाएगा, एक कंपनी में मैक्सिमम जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उसका 15% ही लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं सारी कंपनीज डूब जाएंगी, वैसे भी गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट का बैकएंड है, सपोर्ट है। और दोस्तों, हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में देखा जाएगा कि कहीं किसी कंपनी की रेटिंग तो कम नहीं हुई है। अगर किसी कंपनी की रेटिंग कम हुई है, तो उसके बॉन्ड को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह नई कंपनी के बॉन्ड लाए जाएंगे जिनकी रेटिंग AAA होगी, और गवर्नमेंट कंपनी के ही बॉन्ड इंक्लूड किए जाएंगे। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया 14,000 करोड़ का जो कंपनी इकट्ठा कर रही है पैसा, हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो इंडिविजुअल हैं,
हमारे लिए केवल 25% है, यानी 25% हमसे पैसा लिया जाएगा, और जो 75% लिया जाएगा दोस्तों वो म्यूचुअल फंड कंपनी से, बड़े HNIs होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं, QIB होते हैं, उन सबसे लिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि भारत बॉन्ड ETF क्या होता है, जिसके थ्रू पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होगा, हम रिटेल इन्वेस्टर 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और 1 रुपीज के मल्टीपल में, यानी 1001, 1002 आप कितने भी लगा सकते हैं, पर कम से कम 1000 लगाने होंगे। दोस्तों यहाँ बेनिफिट ये है, जनरली अगर हम किसी कंपनी के बॉन्ड में लगाना चाहते हैं, सपोज कर लीजिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट का NCD आया था, किसी के भी ट्रांसपोर्ट के NCD आते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए होता है। तो अगर मुझे किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में करना है तो मुझे पैसे की भी ज्यादा जरूरत होती है, साथ ही साथ वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट होता है। पर यहाँ आप देख रहे हैं जो आपके 1000 रुपए हैं, ये 1000 रुपए कई कंपनीज में लगाए जाएंगे, तो आपका रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, साथ ही साथ कम रुपए में आप बॉन्ड में इन्वेस्ट भी कर पा रहे हैं। और दोस्तों एज ए रिटेल इन्वेस्टर जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो 2 लाख का कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो मैंने वेरी वेरी लो लिख रखा है दोस्तों, ये एक्सपेंस रेशियो है, यानी जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें केवल इतना एक्सपेंस होगा। आप देख सकते हैं कितना कम इन्वेस्टमेंट में आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों जो भारत बॉन्ड ETF है उसके 2 सीरीज आ रही है, एक आ रही है 5 साल वाली की मैच्योरिटी और एक आ रही है 10 साल की मैच्योरिटी। यानी है तो 5 साल की मैच्योरिटी कि अगर आप अभी 2020 में इन्वेस्ट करेंगे तो 2025 में आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा, पर उससे पहले भी अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। रीजन बीइंग दोस्तों ये NSE पे लिस्टेड है तो मार्केट टाइमिंग पे आप खरीद बेच सकते हैं और ये बहुत इजीली हो जाता है। और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है दोस्तों, 2020 चल रहा है, 2031 है, 10 साल की मैच्योरिटी है, राइट। तो दोस्तों ये मैं 2030 लिख गया हूँ, ये 2031 है। अब दोस्तों साथ ही साथ ये बताता हूँ रिस्क क्या है इसमें। तो दोस्तों जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप देखिए कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। पहले तो ये स्कीम ही गवर्नमेंट के थ्रू लाई गई है तो ये सिक्योरिटी है। दूसरा ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट कंपनीज में कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के बॉन्ड में कर रहे हैं और गवर्नमेंट कंपनीज के उन बॉन्ड्स में कर रहे हैं जहां पर रेटिंग AAA दी गई है। यानी अब आप देख सकते हैं कि रिस्क बहुत ही मिनिमम है, रिस्क के चांसेस बहुत ही कम है। तो दोस्तों रिटर्न की बात करें तो जो बताया गया है, और दोस्तों जो रिटर्न की बात करें तो जो 5 साल का रिटर्न है ये एवरेजली रिटर्न बताया गया है 5.65% करीबन मिलेगा और 10 साल में आपको 6.76% का रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं बैंक FDs वगैरह में जहाँ 5-5.5% रिटर्न हो गया है, रिस्क वहाँ भी रहता है क्योंकि अगर बैंक डूब जाती है तो मैक्सिमम आपका 5 लाख का इंश्योरेंस होता है और वो टाइम भी लग जाता है, पर दोस्तों यहाँ रिस्क बहुत कम है और रिटर्न भी आपको अच्छा दिया जा रहा है क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें जनरली इतना ही रिटर्न मिलता है। और दोस्तों ये एकदम फिक्स नहीं है, ये एवरेज निकाला जाता है कि अगर आप अपना 5 साल या 10 साल तक मैच्योर कर रखते हैं, उसको अपने पास रखते हैं मैच्योरिटी तक, तो इतना रिटर्न मिलेगा। जो ट्रांच वन आया है उसने इससे भी बेटर रिटर्न दिया है, तो चांसेस हैं आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। टैक्सेशन की बात करते हैं तो दोस्तों एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, आप कंपनी आपसे लोन ले रही है, आप उसको पैसा दे रहे हैं, तो डेट इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर आप 3 साल से पहले बेच देते हैं इसको तो जो भी आपका स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। और 3 साल के बाद बेचते हैं दोस्तों तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा और केवल 20% टैक्स लगेगा। दोस्तों दो चीज मैं समझा देता हूं आपको, सपोज कर लीजिए पहला तो उन इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा होने वाला है जो 30% ब्रैकेट में आते हैं, क्योंकि वो 30% ब्रैकेट में आते अगर वो कहीं पैसा और इन्वेस्ट करते तो उनको 30% टैक्स देना पड़ता है जैसे बैंक में FD करा देते, पर यहाँ पे केवल 20% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 3 साल तक बने रहते हैं। और इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी आपकी कॉस्ट है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं 10 साल बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिया केवल, तो जो 1 लाख कॉस्ट है उसको देखा जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से कितनी हो गई। मान लीजिए वो इन्फ्लेशन के हिसाब से 1 लाख की कॉस्ट 1,20,000 हो गई, तो ये माना जाएगा आपने 1,20 इन्वेस्ट किया और 2 लाख रुपए हुए, तो आपका प्रॉफिट 1 लाख नहीं हुआ, आपका प्रॉफिट 80,000 हुआ। यानी कम प्रॉफिट निकाला जाता है और ये कम प्रॉफिट इसलिए निकाला जाता है आपका टैक्स कम लगे, आपको प्रॉफिट तो पूरा मिलेगा, टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा दी जाती है जिससे प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम नहीं होता एग्जैक्टली, प्रॉफिट कम शो होता है और उस पर टैक्स कम लगता है, तो आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा साथ ही साथ टैक्स भी कम लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप इन्वेस्ट कैसे करें, तो अभी हम दोस्तों ये वेबसाइट विजिट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, bharatbond.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर न्यू फंड ऑफर के नाम से आएगा, आप यहाँ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट होने की जरूरत है, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी बाय कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। पर दोस्तों कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं होता, तो उनके लिए एडेलवेस कंपनी ही भारत बॉन्ड का फंड्स ऑफ फंड लाती है, जिसमें एक तरीके से म्यूचुअल फंड होता है जो इन्वेस्ट करता है इन्हीं कंपनीज में उसी रेशियो में, तो आप वहां के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपसे कहूंगा आज के टाइम में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि जैसे आपने देखा था रिलायंस का राइट इश्यू आया था, आरबीआई के बॉन्ड्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसमें आज के टाइम में डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट दोस्तों सिंपली एक तरीके का एक अकाउंट होता है बैंक अकाउंट की तरह, जिसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में चला जाता है और आपको रिफ्लेक्ट होता है, तो बहुत ही सेफ तरीका है, बहुत ही मामूली प्राइस में आपका ओपन हो जाता है, किसी भी स्टॉक ब्रोकर बैंक के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो मैंने आपसे कहा था अप्रैल 2025 में जो आप इन्वेस्ट करेंगे कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, यूनिट हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं जिसमें ये पैसा लगाया जाएगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं पावर फाइनेंस कंपनी REC है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, और आपकी NTPC है, NHPC है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है, ये बताया हुआ है कि कितना कितना पैसा इसमें लगाया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ मैक्सिमम एक कंपनी में 15% ही लगाया जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये IOCL है, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये बहुत सिक्योर कंपनीज हैं और ये अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहती हैं, पैसा लेना चाहती हैं, पैसा जुटाना चाहती हैं, तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर या अलग अलग लोग इनको वो पैसा दे रहे हैं और उसके बदले हमको इंटरेस्ट देंगी। अब साथ ही साथ दोस्तों अप्रैल 2031 की अगर हम बात करें जो 10 साल का बॉन्ड है उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों वही कंपनी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन REC है, पावर ग्रिड कंपनी है, न्यूक्लियर पावर है, NHPC है, हाउसिंग एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो आपको बताया गया है कि कितना कितना पैसा लगाया जाएगा इन कंपनीज में। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया कि भारत बॉन्ड ETF क्या है, सिंपली एक तरीके का बॉन्ड है जिसमें हम कंपनीज को पैसा दे रहे हैं और कंपनी बदले में हमें इंटरेस्ट देगी, और दोस्तों एक्सचेंज पर लिस्टेड है इसलिए इसका नाम ETF रखा गया है, आप कभी भी खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, कोई भी लॉक इन नहीं है इसमें। अब दोस्तों मैं इसकी वेबसाइट पर ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या फीचर्स। तो दोस्तों ये देखिए हम bharatbond.in पे आ चुके हैं, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड में इन्वेस्ट हो रहा है मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए तीन मेन पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया, हायर सेफ्टी, नो लॉक इन, लोअर टैक्स, ये तीनों ही पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। और देखिए दोस्तों इन्होंने बताया हुआ है 14 से 17 जुलाई तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न भी जो मैंने आपको बताई है 2025 और 2031 की यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। दोस्तों जब भी आप बाय करेंगे अगर आपका जो पहला ट्रांच है आपको उसमें इन्वेस्ट करना है तो सिंपली आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग पे, और अदरवाइज आप नए में करना चाहते हैं आप NOFAP पे क्लिक करेंगे। न्यू फंड ऑफर है दोस्तों, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएगा इन्वेस्ट के लिए, ये देखिए आपको NFF पे क्लिक करना है और आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसे एग्जिस्टिंग वाला है उसमें भी निवेश कर सकते हैं, उसका ऑप्शन अवेलेबल है, ये न्यू फंड ऑफर का आपको 14 से हो जाएगा। अब दोस्तों और भी कुछ ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरी डिटेल आपको दी गई है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ FAQ का एक कॉलम है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ही जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब का इन्होंने पहले ही आंसर दे रखा है। जैसे इज देयर एनी लॉक इन पीरियड, तो मैं आपको बता चुका हूँ देयर इज नो लॉक इन पीरियड, आप इसको कभी भी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, NSE की वेबसाइट पे ये वहां पे लिस्टेड होगा। तो हु कैन इन्वेस्ट दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेजिडेंट होना चाहिए उसके लिए, NRI के लिए भी ये एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ से सारी डिटेल देख सकते हैं, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक जानकारी मिली होगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और जो लोग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आप इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे ऐसे जितने भी इनकमिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनकी टोटल मैं आपको आइडिया प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू।